हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख पा रहे होंगे आप लोग। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है आपका आंसर दिया हुआ है, तो क्या है दिया हुआ कि उत्तर यानी झारखंड में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी उत्तर नंबर एक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है तो देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से क्या है दूसरा नंबर प्रश्न। प्रश्न दो है, तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हैदराबाद। राइट आंसर हैदराबाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो तीन नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व अधिक है? तो जनघनत्व किस राज्य का अधिक है तो सबसे ज़्यादा, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी बिहार। राइट आंसर बिहार हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? तो किस प्रकार का नगर है आपका जो है आंसर यहाँ पर आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो औद्योगिक नगर है, ठीक है, राइट आंसर औद्योगिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्वेश्चन क्या है, सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? तो आपका जो है राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्किप कर लेते हैं, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है छठा नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर की बात करेंगे तो थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छः नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर खाद्यान्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से क्या है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? तो कौन राज्य है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है, अम्लीय वर्षा का कारण है, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आ चुकी है, थोड़ा सा स्किप और कर लेते हैं, तो आज तो 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो स्क्रीन पे आई हुई है और देख पा रहे होंगे आप लोग, तो 1881 ईस्वी में हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे। तो दूसरा नंबर है, यानी अगला नंबर क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व है? तो क्या जनघनत्व है देख लेते हैं, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी वर्ग किलोमीटर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग क्या, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं स्किप करके, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग, यानी केरल जो है सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है 13 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या, भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी कितना है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो 13.31 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 13.31। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुकी है स्क्रीन पे और देख भी पा रहे हैं आप लोग क्या है, रांची किस राज्य की राजधानी है? रांची किस राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर की बात करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर यानी झारखंड। ठीक है, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुकी है पूरी तरीके से, 15 नंबर क्वेश्चन है, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बिहार में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर बिहार में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी देख लेते हैं स्किप करके, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से क्या, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। तो क्या है, बोकारो इस्पात केंद्र है, तो बोकारो इस्पात केंद्र क्या है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी सार्वजनिक क्षेत्र में है, सार्वजनिक क्षेत्र में है। अब 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। तो क्या है, उत्तर भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, उत्तर भारत की सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, तो क्या है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नहर, राइट आंसर हो जाएगा नहर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग।
तो क्या है, कौन बागानी फसल नहीं है, कौन बागानी फसल नहीं है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो देख लेते हैं, मक्का जो है ये बागानी फसल नहीं है, राइट आंसर मक्का हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। तो क्या है, कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो थोड़ा सा देख लेते हैं स्किप करके, तो आ चुकी है स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं आप लोग। तो कोयला जो है ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे हैं आप लोग। धारावी मलिन बस्ती किस नगर में स्थित है, धारावी मलिन बस्ती जो है किस नगर में स्थित है। तो राइट आंसर की बात थोड़ा सा स्क्रिप करके देख लेते हैं, तो आ चुके हैं आंसर मुंबई। तो अगर इस वीडियो का यानी इस जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ इसका अगर PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो देख लेते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 22 नंबर का राइट आंसर यानी 121.01 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। कौन सा कारक भारत पुरुष प्रवास का मुख्य कारक है, तो कौन सा कारक, राइट आंसर की बात करें थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं और देख लेते हैं। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी काम और रोजगार की वजह से जो है भारत में ज़्यादा पुरुष का प्रवास का मुख्य कारक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन विशेषता नगर का लक्षण नहीं है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड का संकलन होना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुकी है अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन 25 नंबर है। कौन सी रोपण फसल नहीं है, रोपण फसल कौन सा नहीं है, तो इसका देख लेते हैं जवाब, राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, ये इसको बोया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके स्क्रीन पे और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तो कौन सा तृतीयक क्रियाकलाप है, तो राइट आंसर की बात करें तो देख लेते हैं। तो आ चुके हैं तृतीयक क्रियाकलाप क्या है, आखिर जो है ये तृतीयक क्रियाकलाप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से। तो क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है, तो 27 नंबर का राइट आंसर की बात करें थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सीमांत भूमि जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जा का एक अनवीकरणीय स्रोत है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, देख लेते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, तापीय जो है ये ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं। तो आ चुके उत्तर प्रदेश जो है चीनी का सबसे दूसरा राज्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। क्या है, कौन सा एक स्थल बंद पोत आश्रय है, तो राइट आंसर की बात करें थोड़ा सा स्किप करके आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग, विशाखपट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग। क्या नौ निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है, तो टेलर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं स्क्रीन पे, देख पा रहे होंगे आप लोग। पर्वत पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो पर्वत पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो सीढ़ीनुमा, यानी सीढ़ीनुमा जो है घर बनाया हुआ रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो आ चुके हैं 34 नंबर क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। क्या है, कौन जनसंख्या के क्रियाशील आयु का वर्ग प्रतिनिधित्व करती है, तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो आ चुके हैं पूरी तरीके से, यानी 15 से 59 वर्ष के लोग। 11 की जनगणना के अनुसार भारत कुल जनसंख्या है, यानी भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए, तो देख पा रहे होंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 121.01 करोड़, क्या हो जाएगा, 121.01 करोड़, ये आपका राइट आंसर होगा। मैं आपको बताता हूँ कि अगर वीडियो को आप लोग चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रत्येक बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कराई जाती है, पर जितने भी आप जो भी बोर्ड एग्जाम से हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक कारक भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है, ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए, कौन सा कारक जिसके कारण
पुरुष को प्रवास होना पड़ता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, देख पा रहे होंगे। राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, काम और रोजगार। क्या होगा, काम और रोजगार। बढ़ते के लिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत की जनसंख्या भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या होगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड से संलग्न होना। क्या हो जाएगा, 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होना। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, इनमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यानी गेहूँ, गेहूँ जो है रोपण फसल नहीं है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक तीर्थ क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में कौन सा एक तीर्थ क्रियाकलाप है। तो यहाँ पे ऑप्शन के सामने चार दिए हुए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापार, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक भूमि उपयोग संवर्ग नहीं है। चार ऑप्शन में कौन राइट आंसर होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीमांत भूमि। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा एक अनवीकरणीय स्रोत है, यानी ऊर्जा का कौन सा यहाँ पे स्रोत है जो अनवीकरणीय है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तापीय ऊर्जा। क्या हो जाएगा, तापीय ऊर्जा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा राज्य चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य यहाँ पे चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्या है, चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, परितंत्र विकास। क्या हो जाएगा, परितंत्र विकास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोषण है। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोषण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। चलिए उसके अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। चार ऑप्शन दिए यहाँ पे, देख पा रहे होंगे कौन नौ निश्चयवाद के प्रवर्तक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जी टेलर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीढ़ीनुमा। पर्वतों पर किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो सीढ़ीनुमा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख पा रहा हूँ कि निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ पे जो कौन सा जनसंख्या का वर्ष, कौन सा यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है जो जनसंख्या के कार्यशील माने जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1559 वर्ष। 1559 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का प्रकार है। यहाँ पे जो कौन सा खनिज है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभ्रक। क्या हो जाएगा, अभ्रक जो है जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, यानी एक अधात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे कौन जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गृह प्रेम। क्या हो जाएगा, गृह प्रेम जो प्रतिकर्षक कारक नहीं है। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन एक तेल शोधक कारखाना है। यहाँ पे जो है चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे जो कौन एक तेल शोधक कारखाना, तेल की सफाई होती है कौन सी इसमें जगह में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बरौनी। क्या हो जाएगा, बरौनी। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख पाओगे, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है। यहाँ पे जो ऑप्शन चार में कौन जो है एक राजधानी नगर है, यानी किसी राज्य का राज्य है और वो नगर भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ का राजधानी होता है, छत्तीसगढ़ का रायपुर। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। इनमें कौन एक तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी परिवहन। कौन तृतीय क्रियाकलाप के राजधानी है, सॉरी कौन तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण है, तो परिवहन। चलिए अगले क्वेश्चन देख बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग के केंद्र है। चीनी उद्योग का कौन केंद्र है, तो केंद्र हो जाएगा ऑप्शन ए, क्यूम्बटोर। क्यूम्बटोर है चीनी उद्योग का केंद्र है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। यहाँ पे ऑप्शन में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुंबई। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, बैंगलोर। क्या हो जाएगा, बैंगलोर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग के केंद्र है। निम्नलिखित में कौन जो लौह इस्पात यहाँ पे है उद्योग के केंद्र है। ऑप्शन आपके सामने चार दिए हुए, देखिए कहाँ पे कौन सा राइट ऑप्शन, दिमाग में सोचिए और देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका।
आंसर होगा राउरकेला। बढ़ते अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई। ऑप्शन है सामने आपके 1857, 1753, 1853, 1851। राइट आंसर क्या होगा 1853। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है। जैसे आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन जाएगा क्या 63,221 किलोमीटर, 63,221 किलोमीटर। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन यहाँ पे 16 हो जाएगा, बट अभी करेंटली 17 हो चुका है, सो आप लोग यहाँ पे जब तक के लिए 16 याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है, निम्नलिखित में कौन एक मानव भूगोल के उपागम नहीं है। चार ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे आपके पास, कौन जो है मानव भूगोल के उपागम नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे मात्रात्मक क्रांति। क्या हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि संभाववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, संभाववाद जो अवधारणा है किसे महत्वपूर्ण घटक माना गया। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा मानवीय घटक। क्या हो जाएगा मानवीय घटक। इससे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से बना रहा हूँ और इसके लिए मैं पीडीएफ भी बनाया हूँ। आप लोग वेबसाइट में आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी कर सकते हैं, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और वेबसाइट में इसका अध्ययन आसानी से कर भी सकते हैं। जिस तरह जितना भी मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा वीवीआई सबका मैं वेबसाइट में डाल दूंगा, तो आप लोग वेबसाइट में विजिट कर लिए, वेबसाइट का नाम है www.boardparikha.com। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, सभी क्या है मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदानी के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, यहाँ पे तो ऑप्शन दिया यहाँ पे, कौन जो है गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव अधिवास है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर होगा सघन। क्या हो जाएगा सघन, मतलब गंगा के मैदान में सघन, मतलब जो आदमी जो पाए थे अधिवास पाए थे वहाँ पे सघन पाए थे, मतलब काफ़ी घना होते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्रतिरूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है, यानी कौन से प्रतिरूप यहाँ पे दिया हुआ है, चार प्रतिरूप नदी के किनारे किस प्रकार के प्रतिरूप के बस्ती पाए जाते हैं, तो वो जाएगा रेखी के। क्या हो जाएगा रेखी के, क्योंकि नदी जो होती है वो रेखी की होती है और उसके किनारे में जितने भी कोई भी शहर या फिर बस्ती होगी तो क्या हो जाएगा वो रेखी की हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए उसके अगला क्वेश्चन है कि राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जोड़ती है किससे जोड़ती है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जर्मनी को नीदरलैंड से, किससे जोड़ती है तो जर्मनी को नीदरलैंड। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है, जो कौन सा नगरीय समूह है जिसमें प्रवासी संख्या सर्वाधिक है, सबसे अधिक प्रवासी पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा मुंबई नगरीय समूह, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, यहाँ पे चार जो नदी के नाम दिए हुए हैं, इन चारों नदी में सबसे अधिक प्रदूषित कौन है, तो वो हो जाएगा आपका यमुना। क्या है यमुना सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है, पश्चिमी भारत की कौन सी जो नदी बेसिन है यहाँ पे ऑप्शन में, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा माही बेसिन। कौन सी है तो माही बेसिन। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, यहाँ पे जो है चार जो क्षेत्र के नाम दिए हैं, कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक जूट उत्पादन करता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा गंगा का डेल्टा। क्या हो जाएगा गंगा का डेल्टा। तो चलिए स्क्रीन पे क्या है कि निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है, तो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देख सकते हैं, एक में है मुंबई दिल्ली बेंगलोर और डी में चेन्नई, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी ए नंबर यानी मुंबई हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई हुई है अच्छी तरीके से, क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, यानी सबसे अधिक यानी साक्षरता दर पढ़े लिखे आदमी जो है पढ़े लिखे किस में है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी आपके चार ऑप्शन है, अगर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, तो राइट आंसर क्या ए नंबर यानी लक्षद्वीप के जो है साक्षरता दर अधिक है। ठीक है चलिए आपको पता होना चाहिए कि 9 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ अच्छी तरीके से आपको दिख पाएगी, तो क्या है क्वेश्चन 3 नंबर है, रुको और जाओ नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर यानी टेलर ने दिए थे। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे,
तो आ चुकी है चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे, अच्छे तरीके से देख पा रहेंगे आप लोग। तो क्या है, निम्नलिखित यूरोपीय देशों में से किसमें नगरीय सर्वाधिक पाया जाता है। तो नगरीय सर्वाधिक किसमें पाया जाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या है, चार नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी बेल्जियम। तो दोस्तों यही क्वेश्चन को आप बार बार जो है रट लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, आपको जो है कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही सारे क्वेश्चन आते हैं बार बार। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं तो यही क्वेश्चन आपको मिलेगी। तो क्या है, पिलानी नगर का संबंध है, तो पिलानी नगर का संबंध किस से है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर यानी शैक्षणिक नगर से, शैक्षिक नगर से राइट आंसर हो जाएगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और अच्छे तरीके से देख पा रहेंगे आप लोग। क्या छठा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है, रबी फसल कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको चार ऑप्शन, अगर जानते तो जवाब लिख डालिए कमेंट सेक्शन में। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी जो है ये रबी फसल नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो सात नंबर क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ चुके हैं। क्या है सात नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सात नंबर का यानी डी नंबर राइट आंसर होगा। तो थोड़ा सा डी नंबर को आपको दिखा देते हैं, रोपण फसल ये गेहूं जो है ये रोपण फसल नहीं है, आप लोगों को पता होना चाहिए गेहूं जो है रोपण फसल नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो आठ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक क्रियाकलाप है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी व्यापार राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रथम क्रियाकलाप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो नौ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छी नंबर क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम लोग अच्छी तरीके से। जवाहरलाल नेहरू पत्तन है, क्या है, कहाँ पे है, तो दोस्तों यानी मुंबई में है। ठीक है, ये पत्तन मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब दस नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे अच्छे तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या है, भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं, तो क्या हो जाए, दस नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी आठ। ठीक है, आठ राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्यारह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे आप लोग। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा औधात्विक खनिज है, तो औधात्विक खनिज कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करें यानी धातु यानी औधात्विक राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, यानी ग्यारह नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी अभ्रक जो है ये औधात्विक खनिज है। आप लोगों को शायद पता होगा क्योंकि ये टेंथ क्लास में अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अगला है बारह नंबर, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र कहाँ है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, डी नंबर यानी राजस्थान में है। ठीक है, राइट आंसर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पाएंगे आप लोग। तो क्या है, नागपुर योजना का संबंध है, नागपुर योजना का संबंध है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेरह नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी सड़क परिवहन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ चुकी है चौदह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर, अच्छे तरीके से देख पाएंगे आप लोग। कॉफी चूना कपास इत्यादि डैश फसल है, तो ये कौन सा फसल है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी चौदह नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी नकदी फसल है। ठीक है, ये नकदी फसल है, राइट आंसर सी नंबर। चलिए अब पंद्रह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छे तरीके से देख पा रहेंगे आप लोग। तो क्या है पंद्रह नंबर, निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व का क्षेत्र कौन सा है, तो पंद्रह नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी दक्षिणी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला है, तो सोलह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, देख पा रहेंगे आप लोग। निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सोलह नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी बांग्लादेश राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सत्रह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे अच्छी तरीके से आ चुकी है, कौन सा औद्योगिक स्थापना का कारक नहीं है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सत्रह नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी वनस्पति राइट आंसर हो जाएगा। अब अठारह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, अच्छी तरीके से देख पाएंगे आप लोग। क्या है, किस राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति है, तो अठारह नंबर का राइट आंसर डी नंबर यानी गोवा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग। क्या है, मुंबई हाई प्रसिद्ध यानी रोड है, तो इसका राइट आंसर किसके लिए, ये मुंबई हाई यानी जगह का नाम है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 19 नंबर का बी नंबर यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पेट्रोल पाया जाता है। अब 20 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पा रहे हैं आप लोग अच्छे तरीके से। क्या है 20 नंबर, भारत के किस राज्य में विजयनगर इस्पात संयंत्र स्थित है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 19 20 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी कर्नाटक राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है आई टी डी पी का संबंध है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, यानी 21 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी सामंतवित जनजाति विकास प्रोग्राम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, तो क्या है बालाघाट प्रसिद्ध है, बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 नंबर का ए नंबर राइट आंसर, यानी गुजरात, ठीक है, गुजरात जो है सूती उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। अब 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं आप लोग, क्या है इनमें से लौह इस्पात कारखाना समुद्र तट पर स्थित है, तो कौन सा लौह इस्पात, राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी विशाखपट्टनम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आ चुकी है 25 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, क्या है मिकिर पहाड़ी अवस्थित है, तो कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में, राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी असम में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, क्या है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 किन्हें मिलाना है, तो किससे मिलाता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 26 नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर, ठीक है, दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग, गद्दी जनजाति पाई जाती है, गद्दी जनजाति कहां पर पाई जाती है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी 27 नंबर का सी नंबर राइट आंसर, यानी हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी देख पा रहे होंगे आप लोग, तो इसके बाद जो है हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति भारत में सबसे अधिक जनसंख्या में है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा यानी 28 नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ग्रैंड, राइट आंसर ग्रैंड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अगला विषय का या अगला सब्जेक्ट यानी नेक्स्ट सब्जेक्ट का, तो अपने कमेंट, क्वेश्चन नंबर क्या है देख पा रहे हैं आप लोग, तो पहला क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्नलिखित में कौन औधात्विक खनिज के प्रकार है, तो आपके चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को देखकर इसका सही जवाब अगर जानते हैं तो दे सकते हैं, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी बी नंबर अभ्रक राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग, तो क्या है दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, यानी निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी जल अभाव जो है ये प्रतिकर्ष कारक नहीं है, राइट आंसर बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आई भी है और देख भी पा रहे हैं आप लोग, क्या है निम्नलिखित में कौन तेल शोधन कारखाना है, तेल शोधन कारखाना कौन है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा तीन नंबर का राइट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा, यानी बरौनी राइट आंसर हो जाएगा, बरौनी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे हैं आप लोग, तो क्या है निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा यानी तीन नंबर का चार नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी रायपुर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है पांचवा नंबर और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग, पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण है, तो तृतीय क्रियाकलाप का कौन उदाहरण है, तो राइट आंसर की बात करेंगे सी नंबर, यानी परिवहन जो है यह तृतीय क्रियाकलाप है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, तो क्या है निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है, निम्नलिखित में कौन चीनी उद्योग का केंद्र है, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा छः नंबर का, यानी छः नंबर का राइट आंसर ए नंबर, यानी मुंबई राइट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, सात नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुकी है, देख भी पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या है निम्नलिखित में कौन पेट्रोकेमिकल उत्पादक केंद्र है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सात नंबर का, यानी बी नंबर राइट आंसर, यानी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, क्या है आठ नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो राइट आंसर की बात करें तो आठ नंबर का क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर, यानी बैंगलोर राइट आंसर हो जाएगा, बैंगलोर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नौ नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या है निम्नलिखित में कौन लौह इस्पात उद्योग केंद्र है,
तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी राउरकेला राइट आंसर हो जाएगा, राउरकेला राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी? तो ये काफ़ी आसान से क्वेश्चन है और आप लोगों को पता होना चाहिए। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 10 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी 1853 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं देख पा रहे आप लोग क्या है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो 11 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर यानी 63,221 किलोमीटर, 63,221 किलोमीटर लंबाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर देखिए और राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी 16 राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्योंकि बहुत कम दिखाई देता होगा आप लोगों को। तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और देख लीजिए आप लोग क्या है, संभावनावाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इस दोनों में से कौन सा घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर 13 नंबर का राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानवीय अवघटक को महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पा रहे आप लोग क्या है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 14 नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं अच्छी तरीके से देख पा रहे आप लोग। तो निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान में महत्वपूर्ण मानव अधिवास है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 15 नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर यानी सघन राइट आंसर हो जाएगा, सघन ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से क्या, निम्नलिखित में किस प्रारूप की बस्ती नदी के किनारे महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 16 नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी रेखीय राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आज के देख पा रहे आप लोग अच्छी तरीके से तो क्या है, राइन जलमार्ग जोड़ता है, राइन जलमार्ग किसको जोड़ता है? तो राइट आंसर की बात करें तो 17 नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर यानी जर्मनी को नीदरलैंड से जोड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छी तरीके से देख भी पा रहे आप लोग क्या है, निम्नलिखित में किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी सी नंबर राइट आंसर यानी मुंबई नगरीय समूह राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग क्या है, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषण किस नदी यानी कौन सी नदी है? तो आप लोग जानते होंगे, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो 19 नंबर का डी नंबर यानी यमुना नदी बहुत गंदी नदी, प्रदूषित नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग तो क्या है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत के नदी बेसिन है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 20 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, महानदी बेसिन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए, तो देख पा रहे आप लोग निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो नहीं, कृष्णा डेल्टा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर। चलिए अब 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं तो पूरी तरीके से आप देख पा रहे आप लोग, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो चॉकलेट में कौन सा पदार्थ का उपयोग होता है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी कोको का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 23 नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी 1998 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब 24 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे होंगे आप लोग क्या है, मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी मोहाली, तो राइट आंसर ए नंबर यानी चंडीगढ़ में स्थित है, मोहाली जो है चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है, ये तकनीकी पार्क है सॉफ्टवेयर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे और देख पा रहे लोग 25 नंबर क्वेश्चन, तो क्या है, लौह दुर्ग लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 25 नंबर का राइट आंसर यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राइट आंसर हो जाएगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके 26 नंबर क्वेश्चन, क्या है भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तरी मैदान में बसता है। तो 26 नंबर का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी 2/3 भाग राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, 27 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा तृतीय क्रियाकलाप कौन सा है। तो तृतीय क्रियाकलाप सबसे बड़ा कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 नंबर का राइट आंसर बी नंबर राइट आंसर यानी पर्यटन राइट आंसर हो जाएगा, पर्यटन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग, तो क्या है मसाई क्या है, मसाई क्या है 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, बी नंबर राइट आंसर नहीं, मसाई एक जनजाति का नाम है, ठीक है बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पर आ चुकी है और देख पा रहे होंगे 29 नंबर, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 28 ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और देख भी पाएंगे आप लोग, क्या है 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन नगर राजधानी है, निम्नलिखित में कौन नगर राजधानी है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर यानी पटना जो है राजधानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो 31 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख भी पाएंगे आप लोग, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर यानी आवास राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग, 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी दक्षिण पूर्वी एशिया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से 33 नंबर क्वेश्चन, क्या है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 33 नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर यानी क्या हो जाएगा, बुशमैन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं देख पा रहे होंगे आप लोग, निम्न में से कौन प्राचीन नगर है। तो प्राचीन नगर कौन सा है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 34 नंबर का यानी बी नंबर गंगानगर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 35 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं, क्या है भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 नंबर का डी नंबर यानी उत्तर प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा सेट को कवर कर चुके हैं, चलिए अब तीसरा नंबर सेट के देख पा रहे होंगे आप लोग, तीसरा सेट है, तो आज हम लोग 70 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी एक नंबर का बी नंबर राइट आंसर यानी गुजरात का एक अंकलेश्वर क्षेत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है। चतुर्थ क्रियाकलाप कौन है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, दो नंबर का डी नंबर यानी विश्वविद्यालय अध्यापन राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं स्क्रीन पे देख पा रहे आप लोग, थोड़ा सा स्किप कर लेते हैं तो ऊपर, तो आ चुके हैं देख पा रहे आप लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा षड्यंत्र किस राज्य में अवस्थित है। तो राइट आंसर की बात करें तो तीन नंबर का क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर यानी राजस्थान का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन है प्रतिकर्ष और आकर्ष अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। तो किसके लिए उत्तरदायी, तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ए नंबर यानी प्रवास के लिए उत्तरदायी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आ चुके हैं पूरी तरीके से देख पा रहे आप लोग, क्या है वर्ष 2010 से 2011 में निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक क्षेत्र था। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पाँच नंबर का सी नंबर राइट आंसर यानी चीन राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुके हैं और अच्छे तरीके से देख भी पा रहे आप लोग, तो क्या है निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ। तो राइट आंसर की बात करें तो छः नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर यानी 1923 राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो स्क्रीन पे आ चुकी है, सात नंबर क्वेश्चन है देख पा रहे आप लोग, निम्नलिखित में किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सात नंबर का यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी तारापुर राइट हो जाएगा।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुकी है, अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी आठ नंबर का डी नंबर राइट आंसर यानी गन्ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, स्क्रीन पे आ चुके हैं नौ नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस पर्वत पर ऊंची पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी नौ नंबर का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अरावली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो स्क्रीन पे आ चुकी है और देख भी पा रहे होंगे आप लोग। दस नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए नंबर राइट आंसर यानी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुके हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग क्या है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 11 नंबर का यानी बी नंबर राइट आंसर यानी प्रकीर्ण राइट आंसर हो जाएगा। कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है, चार ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी चिकित्सा भूगोल राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर दो देखिए स्क्रीन पे है। उच्च जनसंख्या वाला दर वाला देश है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन को इसको पकड़ सही जवाब चुन सकते हैं। तो राइट आंसर डी यानी रूस राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर तीन की ओर बढ़ेंगे। तो आ चुकी है स्क्रीन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो इसमें कन्फ्यूजन वाली थोड़ी सी है क्योंकि नहीं है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी चिकित्सा सुविधा। क्वेश्चन नंबर चार है, क्रियाशील जनसंख्या का आयु वर्ग है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी बी नंबर राइट आंसर यानी 15 से 59 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर पांच है, इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो पांच नंबर का क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर छः है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, छः नंबर का डी नंबर यानी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर सात स्क्रीन पे है, बिग इंच संबंध है? तो काफ़ी बार ये पढ़ चुके हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसको रिविज़न कर लीजिए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। सात नंबर का राइट आंसर यानी बिग इंच पाइपलाइन क्या है, ये पाइपलाइन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आठ क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग, नाफ्टा अस्तित्व में कब आया। इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या, आठ नंबर का बी नंबर यानी 2004 में आया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नौ है, वृहद ट्रक मार्ग जोड़ता है? तो वृहद ट्रक मार्ग गुजरता है, तो किस किस से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, नौ नंबर का बी नंबर, भूमध्य सागर से महासागर तक, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे क्या है, इनमें से कौन औद्योगिक नगर है? तो इसका राइट आंसर की बात करें 10 नंबर का डी नंबर यानी पिट्सबर्ग राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में सर्वाधिक जन वृद्धि की अवधि थी? तो इसका राइट आंसर डी यानी 1991 से 1901। क्वेश्चन नंबर 12 है, तमिलनाडु में कौन भाषाई परिवार प्रमुख है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 12 नंबर का शी यानी द्रविड़, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है स्क्रीन पे, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 13 नंबर का डी, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, नगर जो पूर्वी भारत में अवस्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करें डी नंबर यानी नासिक। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर आगरा। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। चलिए
तो 16 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देख पा रहे आप लोग। इनमें से कौन भारत उत्तर भारत में रबी फसल है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आएगा 16 नंबर का, ए नंबर यानी गेहूं। अब क्वेश्चन नंबर 17 स्क्रीन पे आई हुई है, कॉफी उत्पाद राज्य है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आ जाएगा 17 नंबर का, ए नंबर यानी कर्नाटक। अब क्वेश्चन नंबर 18, हरित क्रांति का संबंध है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आएगा 18 नंबर का, सी नंबर यानी खाद्यान्न उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आएगा, ए नंबर यानी सिंधु बेसिन। क्वेश्चन नंबर 20 है, लैगून और पश जल पाए जाते हैं? तो राइट आंसर क्या है, डी नंबर यानी उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 21 है, इनमें से कौन लौह अयस्क उत्पाद केंद्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इनमें से कौन अधात्विक खनिज है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, सी नंबर यानी अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 23 स्क्रीन पे है, इनमें से कौन बॉक्साइट से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर यानी गया। क्वेश्चन नंबर 24 स्क्रीन पे है, भारत में पाए जाने वाले कुल कोयला का कितना प्रतिशत बिटुमिन्स प्रकार का है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या है, 24 नंबर का, सी नंबर 80%। क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पे है, यूरेनियम किस कर्म की चट्टानों में पाया जाता है? तो राइट आंसर डी यानी गोंडवाना। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन तेल शोधनशालाओं में कौन उत्तर भारत में नहीं है? तो इसका राइट आंसर डी यानी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 27 है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर डी यानी पिलानी नगर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भिलाई स्टील षडयंत्र कोयला प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 28 नंबर का, ए नंबर यानी धनबाद से, ये झारखंड में पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, हुबली सूती वस्त्र कारखाना किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ए नंबर यानी पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओडिशा का सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जगह, यानी ए नंबर यानी भुवनेश्वर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 31 स्क्रीन पे है, भारत में निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी? तो कब अपनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जगह, यानी 31 नंबर का, डी नंबर 2010 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन औद्योगिक जिला है? तो राइट आंसर की बात करें तो सी नंबर यानी कानपुर। क्वेश्चन नंबर 33 स्क्रीन पे है, जनसंख्या घनत्व का सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, 33 नंबर का, बी नंबर यानी बिहार। क्वेश्चन नंबर 34 है, राष्ट्रीय महामार्ग 2 है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर यानी दिल्ली कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 35 स्क्रीन पे है, वर्ष 2001 में सड़कों के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य था? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, 35 नंबर का, सी नंबर यानी पंजाब। क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिण रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी 36 नंबर का, ए नंबर यानी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में प्रमुख पत्तनों की संख्या है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी 12। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 38 नंबर का, डी 1931। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑल इंडिया रेडियो अस्तित्व में आया कब आया? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या आएगा, ए नंबर 1957 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पे है, कोलकाता पत्तन किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो क्या जाएगा, बी हुबली नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है? इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या जाएगा, बी नंबर हल्दिया, सॉरी श्री जवाहरलाल नेहरू मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें कौन पर्यटन नगर नहीं है? तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी नंबर यानी अंकलेश्वर क्षेत्र। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आप चाहते हैं अगला तो कमेंट करके हमको बताइए। तो आज का वीडियो इतना, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो पर।